बस आज मेरा YouTube का दूसरा ब्लॉग है, तो आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं आप लोग देख के बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत खुश भी होंगे शायद वो ब्लॉग देख के। तो आज मेरा साथ है सुदीप, सनी और रोहित, ये तीनों भाई है या फिर दोस्त भी बोल सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं, बाय। हम लोग घर से निकल रहे हैं, आज मेरे साथ तीन दोस्त है या फिर भाई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग आज चल रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को कहाँ जाते हैं। हम लोग अपने एरिया से निकल रहे हैं, इसको बंगला में पाड़ा बोलते हैं और हिंदी में एरिया ही बोलते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग अपने एरिया से निकल रहे हैं। हम लोग को पैदल ही जाना होगा क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन पड़ा हुआ है, ना ही बस चल रहा है, ना ही ऑटो, ना ही टेम्पो, कुछ नहीं चल रहा है। तो हम लोग को पैदल ही जा रहे हैं। तो आप लोग हम लोग का रास्ता भी देखिएगा और हम लोग को भी देखते रहिएगा। तो हम लोग सीधा जाएंगे, हम लोग का मेन रोड पड़ेगा, तो हम लोग अभी चलते हैं मेन रोड के तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का सिचुएंस कैसा है, आदमी मास्क पहनता है कि नहीं पहनता है। फिलहाल हम लोग भी तो अभी पहने नहीं है, बट मेन रोड पे उठेंगे तो पहनेंगे, नहीं तो भाई समझ ही रहे हो आप लोग। हम लोग का नी बरकपुर है और ये नी बरकपुर का एफसीआई गोडाउन है जो बहुत पुराना था, ठीक है, अभी नहीं है, पहले इसमें गेहूं रखा जाता था, अभी ये टूट उठ के कॉलेज बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत पुराना गोडाउन है, अभी ये टूट के कॉलेज बनेगा, तो कॉलेज जब बनेगा तब भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देखो, ये हम लोग का मेन रोड में हम लोग आने वाले हैं, तो आप लोग मेन रोड देख सकते हो, हम लोग मेन रोड में जाके मिलते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग निबरकपुर में है, ये हम लोग का मेन रोड है, ये चल जाता है बारासात बोनगा का तरफ और ये चल जाता है हम लोग का एक नंबर एयरपोर्ट का तरफ। तो अभी हम लोग मेन रोड में है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। फाइनली हम लोग मेन रोड में आ चुके हैं, हम लोग अभी चल रहे हैं, अभी हम लोग को जाना है, एक्चुअली हम लोग का टारगेट है आज मध्यमग्राम जाने वाले, मध्यमग्राम में ऐसा जगह जाने वाले आप लोग को देख के मजा आएगा और आप लोग देखते रहो। फिलहाल तो मेरा मास्क देखा बेका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग का रिलायंस है मध्यमग्राम का, अंबानी का। तो आप लोग कुछ भी लेना है तो आप लोग मध्यमग्राम वाले रिलायंस में आके आप लोग कुछ भी बाय कर सकते हो। ये हम लोग का चौमाता है, मध्यमग्राम का मेन बेस इसको बोला जाएगा। यहाँ पे सारे जगह के बंदे बंदिया और बहुत सारे बिजनेसमैन लोग आते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये मेरा तीन दोस्त जो है वो लोग जा ही रहा है, कोई रेड सिग्नल फेड सिग्नल नहीं मान रहा ये लोग, तो अभी नहीं मांगा क्योंकि ये लोग यहाँ का हीरो है, तो हम लोग अभी जीरो है। भाई लोग रेड सिग्नल दे ही दिया था तो हम लोग इसीलिए पार हुए हैं। तो का सुभाष मैदान है, फिलहाल अभी तो सुभाष मेला नहीं चल रहा बोल के ऐसा है, जब सुबह सुभाष मेला होता है तब ये पूरा एकदम चक्काचक पूरा साफ सुथरा होके यहाँ पे मतलब बहुत झूले वूले बैठते हैं। तो आप लोग भी आओ कभी, मध्यमग्राम चौमाथा के बगल में ही सुभाष मार्ट है, वहाँ सुभाष मेला लगता है, तो आप लोग आके कभी आप लोग घूम के जाना मेला। अभी जितना दूर आए हैं अभी उतना दूर और चलना है, तो हम लोग चल तो रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत गाड़ी वाड़ी भी चल रहा है, हम लोग को लग रहा था गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगा, बट एक भी बस और ऑटो नहीं चल रहा है, सारे प्राइवेट गाड़ी चल रहे हैं। तो जिनके पास प्राइवेट गाड़ी वो लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिनके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है वो लोग साइकिल बाइक और अपने पैदल ही चल रहे हैं। हमारा शोरूम है क्योंकि मध्यमग्राम में सबसे ज्यादा यही शोरूम चलता है, ठीक है, क्योंकि मध्यमग्राम में बहुत सारा राइडर्स भर्ती है, तो यामाहा का ही सारे गाड़ी परचेस करते हैं और भी बहुत सारा। और ये दुकान जो है ना, ये दुकान बहुत पुराना है, ठीक है, मैं छोटे से देखते आ रहा हूँ और ये दुकान बहुत चलता भी है। लोग जहाँ आने वाले थे वो जगह का नाम है उदयराजपुर, तो अभी हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ हम लोग को आना है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को कहाँ आना था, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। तो
गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फोटोशूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर का सीक्वेंस कैसा लगता है। तो सो चलो आते हैं। गाइस हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो आप लोग अंदर का सीजन देख के डरना मत, ठीक है। और ये मेरे दो जो भाई है, ये लोग पहली बार जा रहे हैं, तो पता नहीं इन लोग को क्या रिएक्ट आएगा नहीं आएगा। भाई मतलब बहुत भयानक जगह है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि कैसा होता है। अभी जा ही रहे हैं हम लोग अंदर, ठीक है। तो पहले आपको दिखाता हूँ अंदर का जगह, ठीक है। तो आप लोग अंदर का जगह देख सकते हो कि कितना भयानक है, पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक, कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कब मतलब कैसा है कैसा नहीं है। तो आप लोग जरूर देखना, ठीक है। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते, पूरा अंधकार है, पूरा एकदम कुछ दिखा नहीं जा रहा है। अभी फ्लैश व्लैश जलाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे कि ये कैसा है क्या नहीं है। और फ्लैश जल चुका है तो आप लोग देखिए। अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत भयानक जगह आया, पता नहीं, मेरे को भी डर लग रहा है। तो आप लोग देखना कि क्या क्या होता है इधर और ये कैसा है नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सारी जगह दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है नहीं है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, फिलहाल हम लोग चलते हैं। हम लोग को डर लग रहा है, ठीक है। ये ड्राम में पता नहीं क्या है नहीं है, ठीक है। ये तो शायद मेरे ख्याल से ये किचन रूम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मतलब आते रहते, आज आए इतना दिन बाद, तो शायद सोच रहे ब्लॉग बना ही ले। तो अभी ये क्या है पता नहीं, यहाँ पे कुछ ये क्या है, शायद पानी वानी, ये पानी वानी रखने के लिए है। और यहाँ पे सारे हॉल रूम है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सारे हॉल रूम है, मतलब पूरा अंधकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि हम लोग का फोन का फ्लैश भी मतलब ये हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है। ये रूम छोटा है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा कि यहाँ का एरिया कैसे है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग दिखाई रहे, हम लोग वहाँ थे, वहाँ से अभी यहाँ तक आए हैं। तो आप लोग को अभी और दिखाना है, अभी बहुत ये मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है, मतलब इतना अंधकार हो गया है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे रात में आने से क्या होगा। मतलब भाई हार्ट फेल तो निश्चय है हार्ट पेशेंट लोग के लिए। तो भाई आप लोग वीडियो देखो, शेयर लाइक जरूर करना, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखो अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत अंदर, ठीक है। ये शायद मेरा ख्याल से वॉशरूम होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, बहुत बहुत एकदम काला टाइप पड़ गया, ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, ये बाथरूम है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं और आगे देखते रहिए आप लोग की क्या सीन होता है नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब डरावनी, मतलब बहुत डर लगता है यहाँ पे आने में सबको, ठीक है। बहुत कम बंदा आता है यहाँ पे। ये एक्चुअली हम लोग यहाँ इसको हम लोग फोटोशूट के नाम से दिए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर के तरफ, और बाहर के तरफ जाके अभी दूसरे रूम में जाएंगे। तो फिलहाल दूसरे रूम में भी जाके देखते हैं कि कैसा एरिया है, ठीक है, और कैसा लगता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग पहली बार यहाँ आओगे तो कैसा लगेगा। गाइस हम लोग अभी भीतर से आए हैं, अभी दूसरे रूम में जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा ब्लॉग, डरावना है या फिर कॉमेडियन है या फिर कुछ भी, आप लोग कमेंट जरूर करना। और ये सारे दोस्त लोग नहीं होते, बंदे लोग नहीं होते, तो शायद ही मैं यहाँ आ पाता, क्योंकि मेरा अकेला आने का तो दम है नहीं। तो भाई लोग थैंक यू, ये लोग बहुत मेरे को सपोर्ट करता है, तो आप लोग भी सपोर्ट करो। अभी चलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय। लोग इधर से ढूक नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरा कचरा है और ये घास वास है, तो हम लोग ढूक नहीं सकते। तो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ का एरिया कैसे है। यहाँ पे आप लोग मतलब फोटोशूट वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि ये एरिया कैसा है, यहाँ जा नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ टूटा हुआ है। ये सामने आप लोग देख सकते हो यहाँ गड्ढा है। तो अभी फिलहाल हम लोग छत के तरफ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मैं ऊपर आ गया हूँ तो मेरे भाई लोग को बोलता हूँ, आप लोग ऊपर आओ, जल्दी जल्दी आओ भाई। अभी सो गाइस अभी हम लोग पूरा ऊपर चलते हैं, ऊपर का क्या है नहीं है आप लोग देखना, ठीक है। और ऊपर फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम जंगल झाड़ है और ये टूटा फूटा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत नशेरी लोग नशे करते हैं, जगह का पूरा एकदम खराब कर दिया। तो फिलहाल गाइस हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी हम लोग छत पे चल रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि छत पे आने के बाद ये कैसा दिखता है,
आप लोग देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। आप लोग को ये पूरा जगह देखना है तो आप लोग मेरे इंस्टा या फेसबुक में जाके, मेरे प्रोफाइल में जाके वहाँ का फोटो देख सकते हैं। सो गाइस देखो आप लोग ये जगह फोटोशूट के लिए कितना अच्छा है, फोटोशूट के लिए, वीडियो शूट के लिए, ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मध्यमग्राम में जितने भी बंदे फोटोशूट करते हो या कुछ भी, भाई आप लोग एक बार इधर आओ, इधर आके आप लोग फोटोशूट, वीडियो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। गाइस आप लोग आओ इधर, इंजॉय करो और वीडियो वीडियो शूट करो, ब्लॉग बनाओ और मस्ती करो, ठीक है। तो हम लोग इसी के लिए आए थे, अभी आप लोग को कुछ दिखाएंगे, आप लोग देखो उसके बाद हम लोग कुछ बोलेंगे। आप देख सकते हैं छत से पूरा कितना सुंदर लगता है ये जगह, कितना सुंदर लगता है। मेरा भाई लोग अभी आया है, सब अभी फोटो शूट करेगा, ठीक है। तो मैं भी अभी हूँ, शायद एक दो फोटो मैं भी उठा लूँ, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग यदि इधर आते हो तो अकेले मत आना, ठीक है, चार पांच बंदे को लेके आना, क्योंकि भाई अकेले आने से ना बहुत रिस्की हो जाता है। तो मैंने अपने दोस्त लोग को बोला था कि भाई आज चलते हैं उधर ब्लॉग बनाते हैं, तो वो लोग बोला था हाँ भाई हम भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, हम लोग बोले ठीक है चलो। तो आज फाइनली हम लोग यहाँ आए और ब्लॉग कम्प्लीट किए। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, फिर से मैं बोल दिया। सो थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।